नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सभी पेरेंट्स की और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि सर, आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध कराइए, जिससे कि हम आयुर्वेद में अपना मुकाम हासिल कर सकें और इसे अपना कैरियर बना सकें। तो दोस्तों, मैंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखना और बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं पहली वीडियो लेके आ रहा हूँ आयुर्वेद के लिए, तो आपको मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। दोस्तों, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका दोस्तों 4 साल का कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। टोटल 5.5 साल का वो है ये पूरा। इसमें दोस्तों आयुर्वेद के केवल राजस्थान की बात करते हैं अभी पहली वीडियो में। दोस्तों, राजस्थान में आयुर्वेद के काफ़ी कॉलेज हैं, उनमें कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में मेन 3 कॉलेज हैं, तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में 292 सीट हैं। दोस्तों, पहला कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर। दोस्तों, इसकी काउंसलिंग 100% आयुष एडमिशन सेंटर काउंसलिंग ऑफ कम्युनिटी ACCC से होती है। दोस्तों, ये केंद्र सरकार के अंदर आता है, केंद्र के अकॉर्डिंग इसकी सारी फीस भरी जाती है। बहुत अच्छा कॉलेज है दोस्तों, जयपुर में स्थित है। पहले नंबर पर इसे प्रायोरिटी दी जाती है जब राजस्थान के आयुर्वेद में बात आती है कहीं भी। दूसरी दोस्तों, इसमें टोटल 92 सीट हैं। वहीं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 42,025 रुपये इसका 1 साल का फीस है। वहीं हॉस्टल दोस्तों इसका 625 रुपये पर मंथ है। यह संस्था 7 फरवरी 1976 से स्टार्ट हुई थी। दोस्तों, दूसरे कॉलेज की बात करते हैं जो राजस्थान के सबसे महान कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद डॉक्टर राधाकृष्ण सर्पल्ली राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है। दोस्तों ये दोस्तों इसमें टोटल 125 सीट हैं। इसमें 15% सीटों में एडमिशन केंद्र सरकार की वजह से होता है, केवल 85% सीटों का रजिस्ट्रेशन राजस्थान द्वारा किया जाता है। दोस्तों, वहीं बात करते हैं मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर। दोस्तों, ये भी शानदार कॉलेज है, तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें टोटल 75 सीटें हैं। वहीं इसकी 1 साल की फ़ीस है 6,664 रुपये और हॉस्टल चार्ज है वन ईयर का 449 रुपये। दोस्तों, सारी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है वो राधा कृष्ण सर्पल्ली राजस्थान आयुर्विज्ञान में, यहाँ पर इसकी काउंसलिंग की प्रोसेसिंग होती है, यहीं से सीट आवंटन होती हैं, सारा प्रोसेसिंग यहाँ होता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये तो गवर्नमेंट कॉलेजों की बात हो गई। टोटल 292 सीट हैं, इनमें से 92 सीटों पर केंद्र सरकार करती है, बाकी सारी सीटों पर बची कुची का 15% केंद्र सरकार, जबकि 85% सीटों पर राजस्थान काउंसलिंग कराती है। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज वैसे तो 9 बताए जा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है 10 भी हो जाते हैं। किसी कॉलेज को 1 साल के लिए मान्यता मिल जाती है, फिर 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें टोटल 600 के प्लस सीट हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्री गंगानगर में है, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। दोस्तों, कला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल उदयपुर में, शेखावाटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल झुंझुनू में, श्री सिडनी साईं बाबा आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर में, श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साइंस एंड हॉस्पिटल श्री गंगानगर में। वहीं दोस्तों, श्री परशुराम पुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर में है, श्री भंवरलाल झुंड आयुर्वेद विद्यालय मेडिकल कॉलेज है, एक दोस्तों कॉलेज है कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड राजस्थान, ये दोस्तों जोधपुर में। तो कुछ ऐसे आयुर्वेद प्राइवेट कॉलेज हैं, इनकी फ़ीस पर ईयर 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए दोस्तों इसकी नॉर्मल फीस बताई जा रही है, कहीं की 2,20,000 भी है, किसी की 2,30,000 भी, ऐसी समथिंग कॉलेज है। अब दोस्तों, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर आप इसमें करना चाहते हो तो इसमें एडमिशन अभी नीट का पेपर हो चुका है, उसका रिजल्ट आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंटों की। अब मैं दोस्तों अभी पहली वीडियो बनाई है तो मैं आपको पूरी डिटेल इसमें बता नहीं पाऊँगा, अगली वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें आपको बताऊँगा कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, कितने नंबर पर एडमिशन हुआ था। इंडिया का ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं, चाहे आयुर्वेद हो, वेटनरी हो या नीट का मेडिकल कॉलेज हो, जिसमें आपका एडमिशन काउंसलिंग या नीट के नंबरों के थ्रू होगा। अगर आप किसी की बातों में बहकावे में आकर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपके एडमिशन बाद में फर्जी निकल आ सकती है डिग्री, इसलिए सचेत रहें, किसी की बातों में ना आएँ, केवल काउंसलिंग के थ्रू ही जाएँ। इसके अलावा दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, क्या रेंज है। मैंने अपना देखो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप इसमें मैसेज कर दें। जितने भी आयुर्वेद के जो स्टूडेंट हैं उनका मैं व्हाट्सएप पर ग्रुप बना दिया है, उसमें मैं आपको भी ऐड कर दूंगा। अधिक जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर सकते हैं और जो भी समस्या है वो आप इस नंबर पर बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरा मानना यही है, मैं सभी स्टूडेंटों से सभी वीडियो में यह कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर तो आप कर लीजिए। अदरवाइज अगर प्राइवेट आयुर्वेद करना चाहते हो तो उसका 2-2.5 लाख रुपए तो आपका फीस ही, इसके अलावा रहने खाना 3-3.5 लाख रुपए पड़ जाएगा। इससे अच्छा आप MBBS कर लो। मैं दोस्तों कजाकिस्तान सेकंड ईयर MBBS कर रहा हूँ कजाकिस्तान से, इतना ही मेरा लगभग चार्ज होता है, 18-19 लाख में MBBS हो जाती है। और फिर आयुर्वेद करने के बाद दोस्तों 6 महीने का आपको ब्रज कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप
इंग्लिश दवाएँ लिख सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि प्राइवेट आयुर्वेद ना करें तो अच्छा ही है। हालांकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने पर्सनल डिसीजन होते हैं, फैमिली के डिसीजन होते हैं, इतना बड़ा स्कोप है बचा नहीं आयुर्वेद में, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन कुछ संस्थाएँ ऐसी हैं जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो आप सोच समझ के डिसीजन लें, क्योंकि आपका छोटा सा कदम आपके भविष्य के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है और भविष्य को उज्जवल भी बना सकता है। लेकिन आगामी भविष्य, अभी प्रेजेंट आपको बताइए कि MBBS का जो क्रेज चल रहा है उसके सामने सभी चीज़ फीकी हैं। जब अपना MBBS में एडमिशन नहीं हो पाता तब उसके बाद हम आयुर्वेद और BMS यूनानी इनके बारे में सोचते हैं। तो मेरी पहला प्रायोरिटी मैं आपको यही दूंगा कि MBBS में जाएं, विदेश से MBBS करें, कहीं से भी करें, अब कहीं इंडिया से MBBS करो, बाहर से भी करो, सबको एक पेपर देना है, एग्जिट टेस्ट जो नेक्स्ट नाम से होगा, तो आप उसकी तैयारी करें। बाकी दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को अभी जुड़ जाएँ, अभी पहली वीडियो थी मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बनाई है, जैसे जैसे इसकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, कहाँ कॉलेज मिलना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, पूरा आपके लिए बताऊँगा। इसलिए दोस्तों नई वीडियो में मिलता हूँ मैं आयुर्वेद को लेकर नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय।